और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। जो थोड़ी देर पहले वो विधानसभा पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चर्चाएं हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वो खुलकर बगावत कर चुके हैं, खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लंबे अरसे से बोल रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के नेता पहले उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे और अब वो ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का पार्टी से जाना एक बड़ा नुकसान होगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस से एक और बड़े नेता का दामन छूट रहा है और यही माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं। अनुपम, ये इस्तीफा देना तो एक औपचारिकता है, अब क्या बीजेपी ज्वाइन करना भी बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है शुभेंदु अधिकारी के लिए? जी, लगभग वैसा ही है। जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक कल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली जा सकते हैं। वो दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मीटिंग कर सकते हैं और शनिवार को जो खड़गपुर में, मेदिनीपुर में जो अमित शाह की मीटिंग है उसमें वो अमित शाह के साथ ही हो सकता है आए या फिर पहले आ जाए और उस मीटिंग में शामिल हो, भाजपा की पहली मीटिंग में शामिल हो, इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो उसका पहला कदम ये था। बहुत दिनों से स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन आज वो सच सच साबित हुआ है। अभी 4:15 बजे वो विधानसभा में घुसे हैं, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अनुपम, जरा दर्शकों के लिए ये और बता दीजिए, आप बारीकी से समझते हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को। शुभेंदु अधिकारी, दूसरा स्पेकुलेशन है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो भी जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो भी डील पक्की। आपको आवाज मिल रही है अनुपम? बीजेपी आपको आवाज आ रही है अनुपम? जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार जरा व्यूअर्स के लिए ये और बता दीजिए कि बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का कद और नाम कितना बड़ा है। जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी को अगर हम देखें टीएमसी के परिप्रेक्ष्य में, तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े जनप्रिय, लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। वो मास लीडर हैं, वो जहां कहीं भी जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है और खास तौर पर ईस्ट मिदनापुर जो है, ईस्ट मिदनापुर में उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। ईस्ट मिदनापुर जो जिला है वहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं, तो ये 16 विधानसभा की सीटों पर पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। इसके अलावा पश्चिम मिदनापुर की कुछ विधानसभा सीटें, बांकुड़ा की भी कुछ एक विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है। तो अगर देखा जाए कि नुकसान के तौर पर टीएमसी को कितना नुकसान हुआ या अगर वो भाजपा में जाते हैं तो भाजपा को कितना फायदा हो रहा है, उस लिहाज से अगर मैं कहूं तो लगभग 25 से 30 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का इस वक्त बहुत खासा दबदबा और प्रभाव है। तृणमूल को छोड़ के जाने का मतलब साफ साफ है, ईस्ट मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर की बहुत सारी सीटों पर तृणमूल को एक तरह से नहीं, आप सोच सकते हैं। और शुभेंदु जिस तरफ भी जाएंगे ये 16 से 25 सीटों के बीच वो भार उस तरफ चला जाएगा। ये समझा जा सकता है इससे कि कितना वेट कैरी करते हैं शुभेंदु अधिकारी, पॉलिटिकल वेट। ये और बताइए कि उन्होंने अभी ये कहा एक सभा में कि उनके ऊपर कई बार हमले हुए, वो जनता के आशीर्वाद की वजह से बस बचते रहे। शुभेंदु अधिकारी की मुख्य नाराजगी क्या है ममता बनर्जी के साथ, क्या कहते आए हैं वो? जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी कई साल पहले शुरू हुई अभिषेक बनर्जी के की उन्नति से। अभिषेक बनर्जी को युवा टीएमसी का नेता बनाया गया और युवा टीएमसी के नेता के तौर पर जाने जाते थे, माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी की जगह अभिषेक बनर्जी को नेता बनाया गया तो तभी से टीएमसी में मनमुटाव शुरू हो गया, और लेकिन ये मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ता रहा और पिछले कई महीनों में, लगभग अगर मैं कहूं कि 6-7 महीनों में अगर हम देखें तो ये मनमुटाव बहुत ज्यादा हो चुका था। खास तौर पर टीएमसी की जितनी भी जनसभाएं हुई हैं पिछले कई महीनों में, या ममता बनर्जी ने कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाई है या कोई सभा की है, तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी शामिल नहीं हुए हैं। मतलब 3 से 4 महीनों में उन्होंने खुले तौर पर बगावत शुरू कर दी थी। तो मनमुटाव जो था वो अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ, लेकिन इसके अलावा भी जो एक और मनमुटाव की वजह जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो आईपैक को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ममता बनर्जी ने, उसकी वजह से भी एक मनमुटाव का की वजह है। तो खास तौर पर अगर हम समझें तो उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो स्टेचर था उनका टीएमसी में, वो उनको नहीं मिला और इसी वजह से ये मनमुटाव की शुरुआत हुई जो अंततः अब पार्टी छोड़ने के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो चलिए, एक बड़ी खबर है इस वक्त की पश्चिम बंगाल की राजनीति में, एक
बड़ा घटनाक्रम हुआ है, हम बात करते रहेंगे लगातार अनुपम मिश्रा से। शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, अब वो पार्टी भी छोड़ेंगे जल्द, और उसके बाद जैसा अनुपम आपको बता रहे थे जल्द ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दो दर्जन सीटों पर प्रभाव रखने वाले एक मास लीडर का ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके जाना यकीनन उनके लिए एक बड़ा झटका और बीजेपी के लिए फायदा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं।